नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन आज। आजाद भारत में जन्म लेने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। आज ही के दिन 1950 में गुजरात के वडनगर में उनका जन्म हुआ था। महज 8 साल की उम्र में वो RSS के साथ जुड़ गए। 1971 में मोदी बने थे संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता, जबकि 1975 में आपातकाल के दौरान छिपकर गुजारना पड़ा था वक्त। मोदी ने 1985 में संभाला था बीजेपी में संगठन का काम और 2001 में पहली बार बनाए गए थे गुजरात के मुख्यमंत्री। 2014 में पहली बार देश में बनाई बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार। प्रधानमंत्री मोदी 2019 में पहले से बेहतर प्रदर्शन के साथ फिर से सत्ता में लौटे थे और 2024 में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि पीएम मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपने अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बल पर असाधारण नेतृत्व प्रदान किया, देश की समृद्धि और प्रतिष्ठा में वृद्धि की। मेरा मानना है कि आपके द्वारा राष्ट्र प्रथम की भावना से किए जा रहे अभिनव प्रयासों से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का मार्ग प्रशस्त हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि आप दीर्घायु और सदैव स्वस्थ रहें, सह आनंद रहें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पौधारोपण किया। पीएम के जन्मदिन पर तलवंडी स्थित पार्क के अंदर पौधा रोपण किया गया और सफाई भी की गई। बाकायदा सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। स्पीकर बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। एक्स पर उन्होंने लिखा, शुभकामनाएं, उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घ आयु की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के सक्षम नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। बिड़ला सभागार में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव कार्यक्रम और मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा ने शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस दौरान 5,254 करोड़ रुपए की लागत से 608 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। 1501 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया गया। किसानों को दिन में बिजली देने के लिए मील का पत्थर साबित होगी योजना। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा ने संबोधित किया और कहा कि आज दुनिया के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। मैंने राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाया है, आने वाला समय राजस्थान की जनता का है। हमने जो बजट घोषणाएं की उनको पूरा कर रहे हैं। हम योजनाबद्ध तरीके से घोषणाएं पूरी कर रहे हैं। हमने ये नहीं देखा कि कौन सी पार्टी का विधायक है, जहां से जो मांगाई वही विकास कार्य करवा रहे हैं। हम सबका साथ सबका विकास की परिकल्पना पर काम करते हैं। आने वाले समय में 4 लाख नौकरियां दी जाएंगी। तो बिरला सभागार में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के दौरान मुख्यमंत्री ने जो कहा वो सभी के लिए संदेश की भेदभाव के साथ काम नहीं होता है। अगर राजस्थान का विकास करना है तो राजस्थान के सभी विधायकों की मांगों को पूरा करते हुए उनके क्षेत्रों को विकसित करना पड़ेगा और जब सभी विधानसभा क्षेत्र विकसित होंगे तभी राजस्थान विकसित होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओडिशा दौरा और भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री मोदी ने सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया और इस योजना का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 3 करोड़ पक्के घर बनाए जाएंगे। ओडिशा सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया है। वंचितों को योजना का लाभ मिल रहा है और ओडिशा के लिए करोड़ों की योजनाएं हैं। जो वादे किए पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी ने 3800 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी दी और प्रधानमंत्री मोदी वह महिलाओं से भी मिले, संबोधित किया और उनको भी ये बताया कि सरकार किस तरीके से महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है। तो मोदी 3.0 के 100 दिन में भारत के सुनहरे भविष्य पर नजर। शपथ लेने के 100 दिनों में
15 लाख करोड़ की परियोजनाओं को प्रधानमंत्री मोदी अभी तक हरी झंडी दिखा चुके हैं। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सर्वाधिक फोकस करते हुए 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट परियोजनाओं में रेल, एयरपोर्ट, सड़क, बंदरगाह सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। इनमें दुनिया की सबसे ऊंची शिकुनला सुरंग और बदावन पोर्ट भी शामिल है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे। एक मीटिंग में कहा था कि चुनाव तो नेताओं को लड़ना है, अधिकारियों को नहीं। इसलिए आप लोग चुनाव के बीच 100 दिनों की कार्य योजना बनाकर तैयार रखिए, क्योंकि तीसरी बार शपथ लेते ही हमें तुरंत कार्य में जुट जाना है। इसके बाद मोदी 3.0 का स्वास्थ्य, गुड गवर्नेंस, विदेश नीति, किसान, महिला एवं युवा, मध्यम वर्ग समेत हर वर्ग के लिए बेहतर फैसलों पर फोकस रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने करके भी दिखाया। उन्होंने अपने 3.0 के कार्यकाल के साथ शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की और ये एहसास कराया कि नई सरकार बिल्कुल उस अंदाज में काम करना शुरू करेगी जहां से पिछले कार्यकाल में छोड़ा था। तो नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे और 100 दिन के कामकाज को लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह की बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस वार्ता के दौरान अमित शाह ने कहा कि भारत आज उत्पादन का बड़ा केंद्र बन गया है। 100 दिन में 15 लाख करोड़ की परियोजनाएं दी हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का भविष्य सुरक्षित है। 3 करोड़ मकान देने की गारंटी पर काम, वहीं 3 करोड़ लखपति दीदी का वचन अब तक 1 करोड़ पूरे कर चुके हैं। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, रेल, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट के कई काम चल रहे हैं। इसके अलावा बासमती चावल और प्याज के निर्यात पर रोक हटी है। मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत किया और देश विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमित शाह वो सारे सेक्टर गिनाते हुए नजर आए जहां मोदी सरकार का फोकस है और उसमें सबसे ज्यादा जो फोकस है वो भारत में ही निर्माण पर फोकस है। इसके अलावा अंतरिक्ष पर फोकस है। इसके अलावा सुरक्षा सेक्टर पर फोकस है, आईटी पर फोकस है, रेलवे पर फोकस है और ये दरअसल विकसित भारत की नींव है। दिल्ली में क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल ने आतिशीबाजी खेली है? क्योंकि आतिशी होंगी दिल्ली के नई मुख्यमंत्री। विधायक दल की नेता चुनी गई है आतिशी। अरविंद केजरीवाल के आवास पर विधायक दल की बैठक में फैसला हुआ है। आतिशी के नाम पर खुद केजरीवाल ने भी लगाई मोहर। दिल्ली के कालकाजी से विधायक है आतिशी और दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी आतिशी। हालांकि अभी बनेंगी क्योंकि वो शपथ लेंगी। अभी सिर्फ उन्होंने बहुमत का पत्र एलजी को सौंपा है। आज शाम अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और उपराज्यपाल विनय सक्सेना को इस्तीफा सौंपा गया। आतिशी ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है और इसमें ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि एक बड़ा बहुमत आम आदमी पार्टी के पास है और आतिशी बड़ी आसानी से मुख्यमंत्री पद की शपथ दिल्ली के अंदर लेती नजर आएगी। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की क्या वाकई में आतिशी पारी हुई? दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी आतिशी और विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर मोहर लगी है। 8 जून 1981 को जन्मी आतिशी कालकाजी से विधायक हैं। पंजाबी पृष्ठभूमि के परिवार में हुआ आतिशी का जन्म और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विजय सिंह और तृप्ता वाही के घर जन्मी हैं आतिशी। दिल्ली में पली बड़ी और स्प्रिंगडेल स्कूल नई दिल्ली से शिक्षा प्राप्त की। आतिशी ने 2001 में दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से इतिहास के अंदर स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। 2005 में वो रोड्स स्कॉलर्स के रूप में ऑक्सफोर्ड के मैगडलेन कॉलेज पहुंची। आतिशी ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से प्राप्त की है मास्टर की डिग्री और कह सकते हैं कि दिल्ली के फिलहाल विधायकों के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी आतिशी हैं और इस वक्त भी वो अरविंद केजरीवाल की सरकार के अंदर 17 के आसपास पोर्टफोलियो को संभाल रही थी। जिस वक्त दिल्ली के कई मंत्री जेल के अंदर थे, उस दौरान उन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी भी आतिशी संभाल रही थी। और कमाल के बाद देखिए, आतिशी को जब यह जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने बाकायदा पोस्ट किया और कहा कि वो सिर्फ एक चेहरा है,
जबकि मुख्यमंत्री के असली चेहरे आज भी अरविंद केजरीवाल ही है। उन्हें अरविंद केजरीवाल का करीबी माना जाता है, मनीष सिसोदिया का भी भरोसेमंद माना जाता है, क्योंकि मनीष सिसोदिया को बाकायदा वो राजनीतिक सपोर्ट करती रही। और इसके अलावा जो घोषणा पत्र बने उसमें आतिशी की एक बड़ी भूमिका रही है। एमएनआईटी का 18वां दीक्षांत समारोह कल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहेंगी दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री बच्चनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, वो अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह में दी जाएगी कुल 1361 डिग्रियां। स्नातक कोर्स में 805, मास्टर कोर्स में 477 और डॉक्टरेट में 79 डिग्री प्रदान की जाएगी। इसी के साथ 20 गोल्ड मेडल भी स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। एमएनआईटी कैंपस में राष्ट्रपति करेंगी अरावली छात्रावास का उद्घाटन। इसके अलावा 600 बेड वाले अरावली छात्रावास का उद्घाटन करने के साथ अवलोकन भी करेंगी और वहाँ किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है और एजुकेशन कैसी है इसको लेकर भी यकीनन बातचीत करेंगी।